देख सकते हैं आप, इन्होंने पहन रखा है पिछोड़ा। कार देता जिसका कोई आकार नहीं। मैं ये मेरी एक मसला छोड़ रही हूं अपने घर पे, अगर आप देख सकते हो कैसे लगी आप। पौराणिक लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये गरुड़ उसी को दिखता है जो जिस पे कोई देवता आता है या फिर किसी भाग्यशाली। 9 लाख का भंडारा होता है और इसमें सारे हमारे देव। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, स्वागत है आपको हमारा आज का नया ब्लॉग में, नया दिन का साथ, नया वीडियो का साथ। आज का ब्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए सुबेरा का 1 बजे बटन, और आज हम जाना छा पूजा माँ। तो आज पूजा माँ हुलू पैया पूजा, तो पैया जो गढ़वाली लोग हुला उत जान रही छन पैया एक प्रकार को पेड़ होंदू, तो जो पैया होंदू वहाँ थे देवताओं को पेड़ बोले जादू, तो वहाँ की आज पूजा होनी चाहिए तब वह आपसे भी दिखोला। और वहाँ मैं इन होंदू कि जो पैया होंदे वहाँ के टहनी तक काटी खनक और वहाँ था दुल्हन का रूप में सजाए की विधा न्यूति की फिर वहाँ की पूजा किए जाती। तो आज हमें वक्त जाना चाह आपसे भी दिखोला, तो बने रहा हमारे साथ वीडियो में, ठीक चा। ये है पैया का पेड़, और दोस्तों थोड़ी देर में जिस घर में पूजा हो रही है वो लोग अभी यहाँ पे आएंगे और इस पैया की पेड़ की पूजा करेंगे। दोस्तों माना जाता है तब तक इस पैया की टहनी नहीं काटी जाती है जब तक वहाँ ऊपर वो माउंटेन दिख रहा है जो पहाड़, उस पे गरुड़ देवता आते हैं दोस्तों। तो पहले सोनी गरुड़ आता है दोस्तों, तो जब सोनी गरुड़ आता है तो उस समय इस पेड़ की टहनी काटी जाती है और फिर इसको पूजा के स्थान पर रख दिया जाता है दोस्तों, और फिर उसके बाद बहुत सारे गरुड़ आते हैं और वो घूमते रहते हैं। और दोस्तों जो वो सोनी गरुड़ होता है वो किसी भाग्यशाली इंसान को ही दिखाई देता है। पौराणिक लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये गरुड़ उसी को दिखता है जो जिस पे कोई देवता आता है या फिर किसी भाग्यशाली इंसान को ही वो सोनी गरुड़ दिख पाता है दोस्तों। तो जब यहाँ फिर पूजा करने के लिए आएंगे उस टाइम हम दिखाएंगे आपको। और एक बार मैं एक बार शॉट दिखा देती हूँ इस पैया के पेड़ का, अगर किसी ने भारतीय व्यक्ति ने यहाँ का ये पेड़ ना देख रखा हो तो। तो दोस्तों ये है पैया का वृक्ष, और यहाँ पे अभी इसकी एक टहनी को काटकर इसकी पूजा की जाएगी, और जब आएंगे फिर आपको दिखाएंगे हम, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों ये देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो रखी है, और यहाँ पे जगह जगह से मेहमान आ रखे हैं इनके घर में, और गढ़वाली में बोलते हैं जो दीसा ध्यान उन लोगों को भी बुलाया जाता है इस पूजा में, और यह बहुत बड़ी पूजा होती है। ये देखो यहाँ पे सब लोग बैठ रखे हैं, अभी यहाँ पुजारी लोगों का इंतजार कर रहे हैं बाहर आने का। ये देखो लो दोस्तों पुजारी जी थोड़ा 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 करके नीचे आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पूजा होगी, फिर उस पैया के पेड़ में ले जाएंगे वो सब सामान, फिर वहाँ पे पूजा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये आंटी जी बता रहे हैं कि इस भंडारे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आंटी जी बोलिए भंडारा बारे में कुछ। 9 लाख का भंडारा होता है और इसमें सारे हमारे देवी देवता न्योता जाता है, और सभी गांव के तीनों गांव से हमारे बहुत सारे यात्री आ रखे हैं। और हमने अभी अभी आंटी से पूछा तो आंटी जी बता रहे हैं कि इस भंडारे को 9.25 लाख का भंडारा भी कहा जाता है, और यहाँ पे सभी दीसा ध्यानियों को बुलाया जाता है और उसके बाद पूजा की जाती है। यहाँ पे देखो दोस्तों ये सब लोग सज धज के तैयार हो रखे हैं, और अभी अभी इन्होंने बांध दिया शायद, तो दोस्तों ये देखो ये सब लोग सेल्फी खींच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहे हैं। और ये देखो दोस्तों बाहर से ये कमरा ये तो दोस्तों यहाँ पे है ये पूजा का कमरा, और यहाँ पे है जागरी जी, और उसको हम अपने लिए व्हाइट स्वेटर, ये अपनी स्वेटर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। मैं ये मेरी एक मसला छोड़ रही हूं अपने घर पे, अगर आप कुछ और आए तो आप देख सकते हो कैसे लगी आपको ये। आप जरा पीछे घूम के दिखा दीजिए ताकि हमारे फॉलोअर्स को पसंद आए। और ये स्वेटर इन्होंने खुद ही बनाई है, अगर आपको भी बनवानी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बबीता एड्रेस बता दीजिए आप अपना। अभी हम दोस्तों ये देखो यहाँ पे सब लोग बैठ रखे और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सारा काम निपटे और पूजा शुरू की जाए।
और यहाँ पे रहा ये हमारा गांव, इसको मैं किसी और दिन इसका पूरा टूर करवाऊंगी आपको, तो दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कब बुटिया अच्छा तुम मुली का तुम दौड़ खाल पड़ता। अच्छा, और दोस्तों यहाँ ये पता चल रहा है कि तनु इन लोगों को थोड़ा थोड़ा जानती है। हाँ, ये मैं भी उस स्कूल से पढ़ रखी हूँ इसलिए। अच्छा, और इसका लग गई शर्म तो ये नहीं बना रहा। इनका फिर से सेल्फी सेशन शुरू है और अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने कैमरा देखते ही मुँह छुपा लिया है अपना। और यहाँ पे ये रही आरती, और ये कौन होगी, राकेश की मम्मी। हाँ, राकेश की मम्मी। तो ये सारे के सारे शर्मा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी चल रही है पूजा, उसके बाद जब यहाँ पे पूजा हो जाएगी उसके बाद जाएंगे पैया की पूजा करने के लिए, तो फिर मिलेंगे तब सीधे आपसे। देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ये सब लोग पूजा में शामिल होने के लिए आ रखे हैं। और दोस्तों अभी यहाँ देखो ये बकरियाँ देखो, इनमें कैसे इनकी भी पूजा की जाती है। बस तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सुनो दोस्तों, ये अंकल जी से पूछेंगे निरंकार देवता जी के बारे में, आप बताइए कुछ निरंकार देवता जी के बारे में। निरंकार देवता पूछेंगे निरंकार देवता जी के बारे में और ये बताएंगे हमें आप। क्या क्या निरंकार देवता, जिसका कोई आकार नहीं, ठीक है, जिसको सब मानते हैं, ठीक है। पहिया पहिए नीचे जान दो तब, हाँ पहिए नीचे जान दो तब, पहिए कटे जान दो नीचे लेने। दोस्तों यहाँ पे अभी जा रहे हैं पैया के पेड़ की पूजा करने के लिए। यहाँ पे पैया को टीका लगाया जाएगा, बट अभी इसकी टहनी को नहीं काटेंगे, जब पहले वहाँ ऊपर से सोनगरुड़ आएगा उसके बाद इसकी टहनी को काटेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कर रहे हैं पैया के पेड़ की पूजा, तो इसमें टीका वगैरह लगाएंगे फ़िलहाल अभी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लगातार गांव वाले भी आ रहे हैं पूजा में सम्मिलित होने के लिए, और यहां पे आप भी दर्शन कर सकते हैं। और आप इन चाचा के हाथ में देख सकते हैं, तो यहां पे जो ये पेड़ है, क्योंकि माना जाता है कि ये देवताओं का पेड़ है, इसलिए इसमें भी रोड प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने रोड प्रसाद लेके आ रखे हैं। तो फिलहाल करेंगे इसकी पूजा और फिर रोड प्रसाद का भेंट चढ़ाएंगे, फिर इसको ले पैया के पेड़ को दुल्हन के रूप में सजाकर ले जाया जाएगा। अभी इसकी इसको यहाँ पे नोता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं गरुड़, पर इसने फोन में दिखाई नहीं दे रहा।
और यहाँ पे सोन गरुड़ को बुलाने के लिए लगातार ढोल डमाओं और संघ के साथ देवता को आमंत्रित किया जा रहा है। तो अब सोन गरुड़ आ चुका है और यहाँ पे काटा जा रहा है पहिया पहिया की टहनी। और पहिया की टहनी को काटने के बाद उसको सजाया जाएगा दुल्हन के रूप में। यहाँ पे कफौल गांव से भी आ रखी हैं दादी लोग दर्शन करने के लिए। तो वो वाली दादी उधर हिमांशु की मम्मी है, रजत भैया की मम्मी, और ये दादी लोग हैं हाँ चिंटू की मम्मी। अयो कफौल गांव का चना तुम भी हाँ। अच्छा तुम सुनील है मम्मी जा। अच्छा हो चुका है यहाँ पे और थोड़ी देर में अभी पटिया भैरव आएगा तो उनके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। अभी तो आ चुके हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी से लीप का चौकली बनाई गई है और यहाँ पे अभी पटिया भैरव आएंगे तो उनके दर्शन कराते हैं आपको।
हमारी सारी भाभी ताई जी लोग रेडी हो रखे हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा, यहाँ आपका मायका है तो ये उस हिसाब से हमारी बुआ होंगे और ये हैं हमारी भाभी लोग और यहाँ पे बैठ रखी है ताई जी लोग। तो एक बार सबके सब हाय कर दो। बड़ी बहुत अक्कल लग रहे थे हाँ बस बच और यहाँ पे ये हैं हमारी भाभी जी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है और ये देख सकते हैं आप इन्होंने पहन रखा है पिछोड़ा, इसमें बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। एक बार मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे हमारी ताई जी लोग भी आ चुके हैं भेंट चढ़ाने के लिए, तो बोलो निरंकार देवता की। तो दोस्तों इसी के साथ हम मैं आ चुकी हूँ पूजा से और फिर से लग चुकी है मेरी ड्यूटी दुकान में। तो क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे तो हम रात को भी जाएंगे, तो वो मैं अगले दिन पोस्ट करूँगी, वो दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी उसका। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा नहीं तो लंबा हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।